दोस्तों आज मैं हूँ बिहार शरीफ जो कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में आता है और जो कि राजगीर नालंदा और पावापुरी के पास ही हैं। तो आज मैं आपको बिहार शरीफ की सैर कराऊंगा और उनके कुछ फास्ट फूड आउटलेट्स की जायके को चखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टूर। निकले आपके रिक्शे पर सवार होने, चलो भैया आ जाओ रिक्शे पे। रिक्शा हमें ले जाएगी पुल पे, वो बसंत विहार रेस्टोरेंट या आप बोल सकते हैं स्वीट शॉप, जहाँ से हम कुछ खरीदेंगे। अनरसा जो कि बोलते हैं काफी फेमस है। Let's see। रिक्शा तो बहुत कम हो गया आजकल, आप चाहे तो रिक्शा ले सकते हैं, वही है कि थोड़ा आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा रिक्शा के लिए। देखिए अगर आपको लगता है लीजिए और एंजॉय कीजिए ट्रिप को। आपका नाम क्या है भाई? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद सजाद। अच्छा, यहीं के हो आप? अच्छा अच्छा, ओके भाई। ये पुलिस भी अपने ड्यूटी पे आजकल तैनात है, तो आप आराम से घूम सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि समस्या नजर आती है। बस ये है कि लास्ट 8 से 9 बजे तक अपना खा के वापस घर चले जाने के। सेफ्टी का ख्याल, आपकी सुरक्षा आपके हाथ। ठीक है, आपके रिक्शा पर चले जाएंगे, आप अपने रिक्शा से घुमाओ सजाद भाई। अच्छा आप मिल गए, आप यहीं के हो बिहार शरीफ के? नहीं, कितने साल से हो गया? आपका है 32 साल उम्र। अच्छा, अच्छा 10 साल शादी का हो गया। रिक्शा कितने साल से चला रहे? नहीं, रिक्शा कितने साल से चला रहे? हाँ, 15 साल से चला रहे। अच्छा, सब आपको पहचानते हैं यहाँ के लोग? अच्छा ठीक है भाई, बाहर हाँ यही है बसंत बाहर। किसी ने बोला कि यहीं से आके आप खरीदिए, कुछ खरीद लेते हैं। कैसे अनरसा? 240 है, 320। अच्छा, कौन सा होगा जो ले जाए, 2 दिन रहे अच्छा से ट्रेन में? कौन सा अनरसा होगा जो ले जा सकते हैं, 2-3 दिन अच्छा से रहेगा, स्वाद अच्छा रहेगा, खराब ना हो? ये लास्ट टाइम निकले गए थे तो ये खोआ वाला है और वो बिना खोआ वाला है, सिंपल है। तो एक काम करो, आप 500 वो दे दो, 500 ये दे दो, जो भी अच्छा हो, 2-3 दिन क्योंकि यहाँ से जाएगी। ठीक है ना? पाँच सौ आप देना। ये भाई बसंत बहार यहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ अनरसा जो है सो काफ़ी बन रहा है, अनरसा लगे हुए हैं अनरसा बनाने में। ये है बसंत बहार, हमने भी लिया है 500 ग्राम्स। दो तरह के अनरसा वैसे है, एक खोआ वाला है मावा वाला और दूसरा बिना मावा का। ये खोआ वाला है और ये बिना। छेना
कैसे है टिकट सर? हाँ, देख दीजिए, बनाइए। हाँ, 25 ना दे दिया इन्होंने आलू टिक्की। आलू टिक्की को तोड़ते हैं, फिर इन्होंने छोले थोड़ी ग्रेवी जैसी है उसे मिलाया उसमें, और फिर उसमें थोड़ी सी ब्लैक सॉल्ट और फिर और बाकी मसाले वगैरह डालते हैं, दही डालते हैं, इमली की चटनी जैसी कुछ है और कॉर्नफ्लेक्स ऐसा कुछ उन्होंने रखा है, फिर प्याज है। इस तरह से आपका हो गया टिक्की अचार तैयार। वीरेंद्र प्रसाद, वीरेंद्र प्रसाद, तो वीरेंद्र प्रसाद जी यहाँ चाट बनाते हैं बिहार से रूप में, मौका मिले जरूर आएंगे अपने दुकान पर। ये पूरा बिहार शरीफ का बाजार है, मार्केट है, जो आप देख सकते हैं मेरे दोनों तरफ। तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो मिल जाती हैं, और फास्ट फूड तो इजीली अवेलेबल है, और कुछ जगहों पे तो काफ़ी अच्छा फास्ट फूड है और सस्ता भी है, जो कि आप एंजॉय कर सकते हैं। अंडा रोल तो मिल जाता है ना, अंडा रोल खा के आते हैं। ये झींगा भिंडी 20 कदरे। कितने का है चिकन एग रोल? अच्छा, एक चिकन एग रोल बनाइए। आप देख सकते हैं पीछे चिकन एग रोल बन रहा है। आपका एक नाम क्या है रेस्टोरेंट का? न्यू बिरयानी फैमिली। न्यू बिरयानी फैमिली रेस्टोरेंट। तो एग रोल, चिकन रोल, फिर खाने में भी ये सारे वैरायटीज हैं ना। आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे खाना भी ले सकते हैं, चाहे मछली हो, फिश हो। सो दिस इज़ वन ऑफ द फूड आउटलेट वेयर यू कैन हैव योर फूड। सो हियर यू कैन गेट लाइक एग रोल, चिकन रोल एंड अदर टाइप ऑफ फूड। हमारा क्या नाम है? क्या नाम है? लक्ष्मण कुमार। लक्ष्मण कुमार, तो लक्ष्मण कुमार भी हैं यहाँ पे। तो ये सारे जो है रोटी चपाती एग रोल यहाँ बन रहा है। यू कैन सी दे आर प्रिपेयरिंग द एग रोल्स। सो दिस इज इन बिहार शरीफ। व्हेनेवर यू कम टू नालंदा एंड यू हैव थिंकिंग फॉर नॉन वेजिटेरियन फूड, सो यू कैन हैव ओवर हियर। जब भी आप इस तरफ आते हैं राजगीर रोड पे, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। हाफ प्लेट कितना का आता? हाफ प्लेट का हाफ कर दीजिए। हाफ कर दीजिए। ये आया हमारा एक चिकन रोल। दिस इज आवर माय एक चिकन रोल। सो लेट्स टेस्ट हाउ इट इज।
यू आर प्लानिंग यू कैन हैव, अभी आपको कभी बिहार शरीफ आने का मौका मिले तो आप बिरयानी हाउस में आके बहुत सारे आइटम है जिससे एक चिकन रोल को ट्राई कर सकते हैं। ये उनका मेनू है, सारे आइटम्स जो कि यहाँ पे उपलब्ध है और सस्ता भी है और बहुत टेस्टी भी। उसके अलावा भी कुछ और आउटलेट्स हैं जहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं, चाहे चाउमीन हो, चाहे चाय पीनी हो या फिर जूस, जो कि मैंने भी सोचा कि चलो भाई ये जूस कितने का है, तीस का है, 30-40 एक 20 वाले पिलाइए जूस। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।